गोरखपुर सदर के सांसद रवि किशन ने नोएडा फिल्म सिटी के निर्माण योजनाओं पर तीव्र गति से सतत प्रयास कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा की तथा साथ ही साथ उनके प्रति आभार प्रकट किया। यूपी में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में संभावनाओं को और बल देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जहाँ उन्होंने फिल्म सिटी के निर्माण की शुरुआत की है, वहीं अब वो मुंबई में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, कैलाश खेर समेत अन्य दिग्गजों से मिलकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सांसद रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी के इस प्रयास से माया नगरी से यूपी के चौमुखी विकास की नींव को और मजबूती मिलेगी। सीएम योगी का देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का दौरा कई मामलों में उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में रोजगार और व्यापार की संभावनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। इनके इस पहल से जहां एक तरफ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी की पहल से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति प्राप्त करेगा। नमस्कार। आज मुंबई में फिल्म सिटी के लिए पूज्य महाराज जी आए थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चूंकि मैं भी रहा उसका गवाह साक्षी रहा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने बड़े जोशो खरोश से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, बहुत खुशी हुई। उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व रहा और बड़ा सुंदर लगा ये माहौल। और उन्होंने जैसी बातें की फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियो को बनाने से लेकर कैसे लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश में अद्भुत अद्भुत लोकेशंस हैं और ये यमुना के किनारे होगा, भगवान कृष्ण की धरती के पास एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है जेवर उसके साथ। सो एक लंबा भविष्य आने वाले समय के इससे किसी भी सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए, मुंबई की खासकर सरकार को, महाराष्ट्र की, क्योंकि किसी की रोजगार या किसी की फिल्म सिटी को हटाने की बात नहीं हो रही। एक इंडस्ट्री ये कोई चाइना में फिल्म स्टूडियो नहीं बन रहा है, ये भारत में बन रहा है, ये भारत का गर्व होगा। जैसे कि हम लोग वी आर द लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन हाउस इन द वर्ल्ड, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है विश्व में। उसके लिए ज्यादा संसाधन चाहिए, ज्यादा हाईटेक अपग्रेडेड चीजें चाहिए और हम लोगों को उत्तर प्रदेश के बच्चों की भी चिंता, यूथ युवाओं की